उत्तर प्रदेश के बरेली से खबर सामने आ रही, जहां बहेड़ी से लापता मुनीम का नदी में मिला शव। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। आपको बता दें, गुस्साए लोगों ने ठेकेदार के दफ्तर में लगाई आग। वहीं गुस्साए लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करे। गुस्साए लोगों ने आगजनी भी किया। ये डालते संवाददाता मुनीश कुमार गुप्ता की एक विशेष रिपोर्ट पर। कलो, और जो मृतक हैं ये कौन है? बुंदरी मेरा भाई है बड़ा। क्या हुआ था? इस सरदार ने मार दिया अपने मेरा भाई और ये भैया और ये सब मिल गया मारा इन्होंने भैया। सरदार क्या किस चीज का काम करते थे? पारू का काम करता है सरदार भैया। कुछ आवाज सुनने में आ रहा है, कुछ पैसा भी इन्होंने उसमें लगा रखा था। पैसा लगाया हुआ है, बहुत रुपया लिया है। कितना रुपया लगाया था? कम से कम 5 लाख रुपया लगाया। पहले की ना पता है बैंक कार्यालय। आपके पास क्या सूचना पहुंची थी? हमारी सूचना क्या, सरदार ने हमारी धमकी और दिन हो गई भोसड़ी में, तुम बताएंगे कहाँ है तुम्हारा भाई? बहने के रहे बता रहे नहीं है, तो भाई आया तुम्हारे घर पे ही। कब फोन पहुंचा था आपके पास? परसों पहुंचा भैया। परसों पहुंचा, उसके बाद आप लोग कब आए? हम तो सवेरे रात ही आए गए और सवेरे आए भैया। सवेरे क्या हुआ आपके साथ? सवेरे आते आते आगे दौड़ रहे पड़े हम पे। थाना बहेड़ी के अंतर्गत एक खनन के पट्टे के ठेकेदार के द्वारा कल थाने पर सूचना दी गई थी कि 1:30 बजे 15-16 की जो मध्य रात्रि है उसमें 1:30 बजे के आसपास उनका एक व्यक्ति था, वो जेसीबी चला रहा था जो टिल्ट हो गई थी और उसके बाद से वो वहां से गायब हो गया था। पुलिस के द्वारा इसमें जो व्यक्ति है उसका लोकेशन वगैरह निकाला गया था, तो उसका लोकेशन वहां पाया गया था। इसके बाद पुलिस के द्वारा इसमें छानबीन की जा रही थी, तो आज सुबह जिस जहां पर ये घटना थी, घटनास्थल था, वहां से 800 मीटर की दूरी पर उस व्यक्ति का शव मिला है और पुलिस के द्वारा जो मृतक है उसके शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो मृतक के परिजन है वो ठेकेदार और उनके साथियों के ऊपर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस के द्वारा इसमें सभी तथ्यों को जांच में समाहित करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। खत्म हुए खनन से। अरे वो सरदार भी सब पकड़ेगा। अरे उसने सब काट दिया, इन्होंने संतान निकलने दिया। ये रणवीर सिंह यादव, ये रणवीर सिंह है इंस्पेक्टर, इन्होंने निकलने दिया। अरे इन्होंने बिल्कुल नहीं रोका, इन्होंने हमारी एक बात नहीं मानी। बिल्कुल नहीं मान लिया, प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा है। बिल्कुल चुपका मिला।